हेलो फ्रेंड्स आई एम आदित्य केदारी आज का टॉपिक है इटालियन मरीन्स केस तो इस केस के बारे में थोड़ा हम डिटेल में आज देखेंगे कि इसका एक्चुअली क्या हुआ सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कंटेक्स्ट। इन अ सेट बैक टू इंडिया द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हेग हैज रूल्ड दैट इंडिया डज नॉट है मरीन्स हुर इन केरला फिशरमैन शूटआउट केस तो केरला में दो फिशरमैन को शूट कर दिया था इटली के दो मरीन्स ने मरीन्स मतलब जो कि उनके नेवी में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको मरीन्स कहते हैं तो इन दो ऑफिसर्स ने हमारे केरला के, के फ़िशरमैन को शूट कर दिया था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी तो इंडिया का ये कंटेंशन था कि हम हमारा उनके ऊपर जुरिशिक्शन है मतलब हमारा जो लॉ हमारे जो लॉज है हमारा जो कोर्ट सिस्टम है जुडिशरी है वो उनको सज़ा दे सकता है लेकिन जब इटली और इंडिया के बीच में डिप्लोमेटिक जो बातें हुई उन्होंने ये कहा गया कि ये जो केस है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग में सिचुएटेड है इसकी तरफ देखते हैं कि भाई किसका जुरिस्डिक्शन है तो उन्होंने पी जो है उन्होंने कहा है कि इंडिया डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन जो भी उनको सज़ा मिलेगी वो इटली खुद देगी इंडिया डज नॉट हैव इट इंडिया उनको पनिश नहीं कर सकता तो ये दो लोग हैं सलवेडा और गिरॉन और मैसेमिलियोनो लतोरे ये दो इटालियन आ, मरीन्स हैं नेवी ऑफिशल्स से उनके जिन्होंने वो इंडिया के इंडियन ओशन से जा रहे थे और जब वो पास कर रहे थे केरला थ्रू तो उन्होंने दो फिशरमैन की तरफ उनको लगा कि ये पायरेट्स हैं ये अटैक करेंगे ये आ, समुद्री लुटेरे हैं पायरेट्स जिनको बोला जाता है तो उनको लगा और क्योंकि इंडियन ओशन में पायरेसी का बहुत बहुत प्रॉब्लम है कई सालों से तो उन्होंने शूट कर दिया और केरला के फिशरमैन हमारे फिशरमैन मर गए तो ये दो से जिनके खिलाफ केस चल रही थी तो ये ये जो सिंबल मैं आपको दिखा रहा हूं, वो सी एटीन नाइनटी नाइन में इसका हेडक्वार्टर हेगमे है जो कि नैदरलैंड में है इट हैज फाइनेंशियल असिस्टेंस डेवलपिंग कंट्रीज मीट पार्ट ऑफ इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और अदर मीन्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑफर्ड बाई द पी सी ए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद करने के लिए उनको असिस्टेंस मिलता है जिसके वजह से वो जो कोई भी डिस्प्यूट्स होंगे इंटरनेशनल uh, आर्बिट्रेशन के तो आर्बिट्रेशन एक तरीके का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है जहाँ पे दोनों दोष दोनों देश मिल एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं और जो भी आर्बिट्रेटर डिसीजन देखा वो फोनल फुल एंड फाइनल होता है जिसके ऊपर कोई अपील नहीं आप कर सकते ठीक है ये इसका स्पेशलिटी होता है ऑल डिस अवार्ड्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज इन द डिस्प्यूट एंड हैव टू बी कैरियड आउट विदाउट डिले इनके जो डिसीजन ये जो देते हैं जो आर्बिट्रेटर जो डिसीजन देता है उसको अवार्ड कहते हैं और ये बाइंडिंग होता है पार्टीज पे ऑलरेडी right, इसके लिए आप अपील करो या कहीं आप इसको इसको आप नहीं बाइंड या आप नहीं मानोगे तो इसके खिलाफ आपको सैक्शन आपको पनिशमेंट दी जा सकती है आपके देश को Functions or jurisdiction? Kya hai? It provides service of arbitral tribunal to resolve disputes that arise out of international agreements between member states, international organizations, or private parties. The main function is dispute resolution. The cases span a range of legal issues involving territorial and maritime boundaries, sovereignty, human rights, international investment, and international and regional trade. The organization is not a United Nations agency, but the PCA is an official United Nations observer. तो यूएन की ये एजेंसी नहीं है लेकिन यूनाइटेड नेशन में इनको एक ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तो ये थोड़ा सा उसका फैक्चुअल डेटा है जो कि याद रखना लायक जो चीज है वो है हेग में वो हेडक्वार्टर है नैदरलैंड में ठीक है उसके बाद इशू क्या था दो में मतलब आठ साल पहले दो इटालियन मरीन जिसके बारे में अभी आपको मैंने फोटो दिखाया पिछले स्लाइड में दे फायर शॉर्ट वाइल ऑन बोर्ड एंड इटालियन वेसल एनरिका लेक्सी नाम का एक इटालियन शिप थी So एंड्रिका लेक्सी करके उस शिप का नाम था इसके लिए इस केस को एंड्रिका लेक्सी के केस भी कहा जाता है इन्होंने शूट कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रिका लेक्सी का मैंने फोटोग्राफ डाला है ये दो उसके मरीन्स ऑफिशियल जो कैप्टन थे वहां के उनके ऑर्डर्स पे ये शूटिंग हुई उन दोनों के खिलाफ उनको देख सकते हैं आप इसमें कि उनको अरेस्ट किया गया है पुलिस ऑफिशियल्स ने उनको अरेस्ट किया है बट द फिशिंग वेसल वॉज विद इन द कंट्रीज कंटेजियस जोन एंड इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट अरेस्ट एंड वॉर अंडर डोमेस्टिक लॉ कंटेजियस जोन वो होता है कि हमारी जो कोस्टल एरिया है कोस्टल एरिया से टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स हमारे कोस्टल एरिया से 200 हंड्रेड नोटिकल नॉटिकल माइल्स इन द ओशन इतना सारा जो एरिया है वो इंडिया के जुरिस्डिक्शन में आता है तो इंडिया ने कहा था कि जो शूटिंग हुई है वो ओशन के बाउंड्री से दो सौ नोटिकल माइल्स के बीच में मतलब कंटेजियस जोन में शूटिंग हुई है इसीलिए हमने उनको अरेस्ट किया है और उनको सजा भी हम ही देंगे ये इंडिया का कंटेंशन था इवेंचुअली द मरीन्सर अरेस्टेड बट फर्दर द मरीन्सर रिलीज फ्रॉम इंडिया एंड सेंड टू इटली बाद में अरेस्ट करने के बाद उनको छोड़ दिया गया और उनको इटली भेज दिया गया

तो ये हमने ये जो लॉज हैं सपरेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मरिटर्न नेविगेशन और कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्ट टू के अंतर्गत इनको हमने इनके खिलाफ हमने केस चलाई थी द डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज एज रिगार्ड्स विच कंट्री विल ट्राई द टू मरीज वॉज बिफोर द पी इन दोनों देशों में से इटली या इंडिया इन दोनों देशों में से इन दोनों को ये जो तो दो इटालियन मरीज हो इनको पनिश कौन करेगा ये पी सी डिसाइड करने वाला था और जैसे कि हमने देखा पी ने इटली के साइड लिए कि इटली

while इंडिया conduct has not been in breach of the यूनाइटेड nations कन्वेंशन ऑन the लॉज ऑफ़ the सीज that is यू एन सी एल ओ एस इटली ब्रीच द प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन बाई इंटरसेप्टिंग द नेविगेशन ऑफ इंडिया हमने कोई ब्रीच नहीं किया इंटरनेशनल लॉ का वो जो लॉ है इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है उसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी सी में जो भी लॉज फॉलो किए जाते हैं जैसे कि पैसिफिक ओशन जाए अटलान्टिक ओशन हो जाए इंडियन ओशन हो जाए साउथ चाइना सी हो जाए ये सारे जो उसके अंदर ये इंटरनेशनल वॉटर्स अटैक होता है तो ये उल्टा इटली ने ब्रिज किया क्योंकि उन्होंने हमारे दो लोगों को मार दिया इटली इज एजल्ट लाइबल टू पे कंपनसेशन टू इंडिया इंडिया को इंडिया को कंपनसेशन तो जरूर उनको पे करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ये कन्वेंशन जो है लॉ ऑफ सी इसको ब्रीच किया है तो वो कन्वेंशन उनको कंपनसेशन जरूर पे करेंगे लेकिन इटलियन जो इटालियन मरीन्स के फोटो दिखाए मैंने आपको उनको सजा देनी है कितनी देनी है वो इटली डिसाइड करेगा पीसीआलो रिजेक्टेड अ की आर्ग्यूमेंट बाई इटली मरीन इट्लगेशन टू कोल यू एन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ दी तो ये आर्ग्यूमेंट जो इटली की थी उसको अंडर आर्टिकल हंड्रेड जो था पायरेसी को कॉपरेट करने के लिए इंडिया और इटली ने एक साथ काम करना चाहिए लेकिन ये पायरेट्स नहीं थे ये हमारे फिशरमैन थे जिन्होंने उनके मरीज को गलत फहमी हुई तो इसमें इटली की गलती है इसलिए किसी भी तरीके से पी ने जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने इटली की साइड नहीं ली तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि इटली और इंडिया का ये मैप्स का मैंने आपको छोटा सा लोगो दिखाया फोटो दिखाया इसके आगे हमने क्या करना चाहिए व्हाट इज नेक्स्ट सिर्फ बोला है कम्पनसेशन पे करना है लेकिन कितना कंपनसेशन पे करना है इसके लिए इटली और इंडिया को एक साथ कॉपरेट करना पड़ेगा कंसल्टेशन करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे कंपनसेशन डिसाइड किया जाएगा ऑलराइट कंक्लूजन क्या है दी सी एस अवार्ड जैसे मैंने बोला आर्बिट्रेशन के जो डिसीजन होते हैं उनको अवार्ड कहते हैं जजमेंट नहीं कहते है. The PCS award, which is final and has been accepted by India, is a huge setback for the expectations that the two Marines would face a criminal trial in India. इंडिया सबको लग रहा था कि ये दोनों जो मरीन्स हैं इनको इंडिया के क्रिमिनल सेशन कोर्ट्स में इनको सज़ा मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है All right, उस बार दो हज़ार के टाइम में भी जब इटालियन मरीन्स को वापस भेजा गया तब जब कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो खूब लोग बहुत लोगों ने सोनिया गांधी का इटालियन रूट्स हैं उनके तो इसीलिए लोगों ने काफी उनका क्रिटिसाइज किया था कि बिकॉज सोनिया गांधी ने बोला इसके लिए उनको वापस जाने देना पड़ रहा है लेकिन एज एज पर पर द द द द लॉ 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 ऑफ ऑफ कन्वेंशन ऑन सी एंड इंटरनेशनल पीसीए ने भी अभी डिसीजन तो दिया है उनके फेवर में दिया है तो देखा जाए तो लीगली स्पीकिंग सब सही हुआ है इन द एंड इटली सक्सीडेड इन इंडिया इन टेकिंग द मैटर्स आउट ऑफ हैंड इटली फाइनली जीत तो गया है लेकिन कंपनसेशन

टू हेड्स ऑफ इटली एंड इंडिया मैंने रिस्पेक्टिवली आपको इस फोटोग्राफ में दिखाया तो कंसल्टेशन डिप्लोमेटिक रिलेशन को मेटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसलिए इन दोनों को पनिश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो टेक वे फॉर इंडिया शुड बी द लेसन्स इन द लीगल एंड डिप्लोमेटिक डोमेन्स एट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपीरियंस तो हमें इसमें से सीखना चाहिए कि किस तरीके से इसके आगे हमने ऐसे सिचुएशनस हो जहाँ पे हमारे लोग मारे जाते हैं स्पेसिफिकली इन इंटरनेशनल वाटर्स तो हमने इस सिचुएशन को और अच्छे तरीके से हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं और उसके साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन्स अच्छे रखना ये हमने इससे अपने सीख लेनी चाहिए और हमने रिलेशन्स को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि कोई स्ट्रेन ना रहे और हमारे दोनों देशों की इटली और इंडिया दोनों के देशों की भी इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट दोनों साथ में हो सो थैंक यू गाइज आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा लाइक करिए शेयर करिए वीडियो और अगर कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछे आई एम आदित्य केदर इज़ साइनिंग आउट जय हिंद